ये जो गाड़ी है महिंद्रा की मैक्सिमो, इसके अंदर समटाइम चेक लाइट आती है, तो देखते हैं इसमें क्या DTC और क्या ट्रबल कोड आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग, मतलब मैंने ये इसके अंदर लगाया, इसके अंदर इससे पहले मैक्सिमो का किया नहीं कुछ काम, तो क्या दिखा रहा देखते। आराम से अनुभव E1792 ब्रेक सिग्नल बता रहा है, ब्रेक पैडल स्विच का बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये बोल रहा है समटाइम गाड़ी पिकअप छोड़ देती है, तो नो DTC है, बस एक ही बता रहा था, जैसा कि देख सकते नो ट्रबल कोड दिखा रहा है इसके अंदर। और इतना फास्ट भी जा रहे भाई, आराम से थोड़ा। तो भी ये करंट DTC भी नहीं है, हिस्ट्री तो इसलिए डिलीट हो गया। अगर करंट DTC वगैरह तो चेक करते इसके अंदर क्या इशू है क्या नहीं है। ब्रेक स्विच का बता रहा है, जो पैडल पे स्विच लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसका दिखा रहा है। बट यही जो सेम जो ट्रबल कोड जो नंबर आ रहा था, अगर दूसरी गाड़ी में हम लोग चेक करते तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का रहता, बट इसके अंदर दिखा रहा था ब्रेक स्विच का, ठीक है। एक बार देखते इसमें लाइव डाटा में कुछ बता रहा है क्या, एक्सीलेटर पैडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। लाइव डाटा स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं डाटा स्ट्रीम में एक्सीलेटर पैडल, देखते और क्या क्या सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर कुछ। GR हटाओ, टेंशन तो देख रहा है इसमें, क्योंकि ओरिजिनल इसके अंदर है, कोई मतलब ट्रैक वर्जन नहीं है, ठीक है। एक्सीलेटर पैडल सेंसर क्लिक करना पड़े, ये सब इसके अंदर लाइव डाटा में, मतलब डाटा स्ट्रीम में चेक कर सकते हो, जैसा कि P1792 जो ट्रबल कोड आ रहा था दूसरी गाड़ियों में, अगर हम लोग चेक करते P1792 जो है वो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का रहता है, बट इसके अंदर जो बता रहा है P1792 जो DTC है ब्रेक स्विच का दिखा रहा है, ठीक है। बट यही मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सेम रहता है, बट ऐसा नहीं है, ट्रबल कोड हर गाड़ी का थोड़ा डिफरेंट है, कुछ गाड़ियों का सेम रहता है, कुछ गाड़ियों का अलग भी रहता है। जैसे कि इसके अंदर जो अभी ट्रबल कोड आ रहा है वो बाकी कुछ गाड़ियों में चेक करता हूँ तो मैंने देखा है वो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का दिखाता है, बट इसके अंदर जो दिखा रहा है ब्रेक स्विच का बता रहा है। इससे पहले भी एक दो गाड़ी मैंने देखा है, जो मारुति में डिफरेंट है, हंडई में डिफरेंट है ट्रबल कोड, इसका एक्सीलेटर पैडल चेक करते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है समटाइम गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देती है, तो ब्रेक स्विच से भी हो सकता है। आपको पता है कि आजकल की जो गाड़ियाँ उसमें ब्रेक सेंसर ब्रेक से जो स्विच है वो चार वायर का आने लगा, तो उससे रहता है पंगा, क्लच स्विच हो गया, ब्रेक स्विच हो गया, ठीक है। एक्सीलेटर पैडल पोजीशन थोड़ा रेस करो, हाँ देखो जैसा कि इसको एक्सीलेटर दे रहे हो तो काम कर रहा था। कहाँ इसका ब्रेक स्विच का लोकेशन, ये तो सबको पता है, ब्रेक स्विच ब्रेक पैडल के पास लगा हुआ रहता है ऊपर, देख सकते ये नीचे लगा हुआ है ब्रेक स्विच का, ये है इसका ब्रेक स्विच, ठीक है, ये इसका लोकेशन है, यहाँ फिटिंग रहता है ब्रेक स्विच।